आईएएस आज यदि एग्जाम देगा तो वो पास नहीं करेगा। यदि आप टीचर से आज एग्जाम दिलाएंगे और वो 80-90% फेल कर जाएगा, स्कूल के शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, फेल कर जाएगा तो पूरी दुनिया हंसेगी, और कोई गरीब आदमी के बच्चे भी नहीं पढ़ने जाएंगे कि तो फेल कर गया, इससे मैं क्यों पढ़ूं। कह रहे हैं पास करेगा तो नियमित हो जाएगा, जो पास नहीं करेगा तो नियोजित शिक्षक बना रहेगा। तो हम तो जानते हैं कि 80-90% लोग पास नहीं करेंगे। मेरा आग्रह है कि आप सभी नियोजित शिक्षक टीटी एसटीटी सीटीएफ सबके के लीडर को, चार आदमी को बुला करके आप वार्ता कर लेते। आग्रह करता हूं नीतीश कुमार जी से, जो एसटीटी टीटी इन सारे नियोजित शिक्षक के बारे में जो निर्णय लिया गया, मेरा आग्रह है कि आप सभी नियोजित शिक्षक टीटी एसटीटी सीटीएफ सबके के लीडर को, चार आदमी को बुला करके आप वार्ता कर लेते, तब नियमावली की कोई बात करते तो सबको समझ में आती। मैं चाहता हूं कि एक बार पुनः नियमावली पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। 4 लाख नियोजित शिक्षक, एक आईएएस आज यदि एग्जाम देगा तो वो पास नहीं करेगा। यदि आप टीचर से आज एग्जाम दिलाएंगे और वो 80-90% फेल कर जाएगा और फिर ये सेंटर जाएगा ऑनलाइन, या सेंटर जहां होगा ऑनलाइन सबसे बड़ा घोटाला, जहां सेंटर होगा वहां पर कोचिंग वाले पहले ही सेंटर को खरीद लेते हैं, क्वेश्चन आयर हार्ड कर देंगे, और जो बात आती है कि स्कूल के शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, फेल कर जाएगा तो पूरी दुनिया हंसेगी, और कोई गरीब आदमी के बच्चे भी नहीं पढ़ने जाएंगे कि तो फेल कर गया, इससे मैं क्यों पढ़ूं। तो आप इससे तो 4 लाख जो नियोजित शिक्षक है उसके सम्मान पर पड़ेगा ना, बिहार पे पड़ेगा ना, पूरी दुनिया कहेंगे फेल कर गया इसका टीचर, ये तो उसका अपमान होगा। और आप कह रहे हैं पास करेगा तो नियमित हो जाएगा, जो पास नहीं करेगा तो नियोजित शिक्षक बना रहेगा। तो हम तो जानते हैं कि 80-90% लोग पास नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन दीजिएगा आप, आज जो हालात है उसमें आप तो जो ये रिटर्न एग्जामिनेशन 20 साल पहले आप कोई निर्णय लिए होते, या इस सीटीए टीटी बीटीएड ऐसे एग्जामिनेशन के पहले आप निर्णय लिए होते रिटर्न, हम रिटर्न एग्जामिनेशन का यूपीएससी के तहत स्वागत करेंगे।